महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती ने कहा है, जल्दी से दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा सरकार पर हमला किया है और कहा है कि मोदी सरकार पर महबूबा मुफ्ती धर्म निरपेक्षता की नींव को तार तार करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार देश में धर्म के नाम पर थमाई जा रही है बंदूक। बीजेपी सरकार पर मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने का एजेंडा है संबित पात्रा का। जल्दी से आपको सुना देते हैं, जल्दी से सुना देते हैं क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, उसके बाद संबित जी जवाब दीजिएगा। के डीएनए में है हमारा मुल्क है, ये सेकुलर बुनियादों पे बना हुआ है और खासकर जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस जमात जिसमें आगे आगे थी, उन्होंने इस मुल्क की बुनियाद जो है, चाहे अंबेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने सेकुलरिज्म पे इसकी बुनियाद डाली थी और सेकुलरिज्म हमारे डीएनए में है, इस मुल्क के डीएनए में है। ये जरूर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो सेकुलर फैब्रिक है उसको तार तार करने की, बट डीएनए इज गोइंग टू बी देयर। और जहां तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है। बदकिस्मती से ये हमारे हमसाया मुल्क में मजहब के नाम पे एक उस वक्त उन्होंने भी मजहब का गलत इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया और आज तक वो मुल्क जो है उसका खिमियाजा भुगत रहा है। उन्होंने मजहब के नाम पे लोगों के हाथ पे बंदूकें दे दी। आज हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और मजहब के नाम पे बुलडोजर चलता है, मजहब के नाम पे लोगों के हाथों में तलवारें दी जाती हैं। मजहब के नाम पर बुलडोजर चलता है, मजहब के नाम पर तलवारें चलती हैं, बंदूक थमा रहे हैं आप युवाओं के हाथ में, जवाब दीजिए संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, केवल महबूबा मुफ्ती नहीं, मैं आजकल देख रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता भी, महबूबा मुफ्ती भी, और अभी दो दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी बार बार हिंदुस्तान का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान बनते जा रहा है। आप मुझे बताइए अंजना जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा है क्या? क्या हालत, क्या हूं, क्या बन रहा है? नहीं, हूं, बन रहा है। मतलब ये लोग खाते हिंदुस्तान का है, जीते पाकिस्तान में, और इनको कह दो कि बैग उठा के पाकिस्तान चले जाओ तो वो फॉलो कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में आके रोना शुरू कर देना चाहते हैं, रोना ना शुरू कर दे, उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। क्या बीमारी क्या है, ये बीच बातचीत क्यों शुरू करते हैं? मैंने कहा आपने, रुक जाइए, संबित जी से सवाल है, जरा जवाब दे। मैंने बोला, बोलिए एक सेकंड। देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि बार बार हिंदुस्तान का कंपेयर, देखिए जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था कितने प्रतिशत हमारे मुसलमान भाई बंधु थे, आज कितने प्रतिशत है, पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू थे, आज कितने हैं। और जहां तक महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट है, महबूबा जी लाउडस्पीकर सऊदी अरब में कभी आपने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर देखा है? वो तो गढ़ है, वो तो केंद्र भूमि है, वहां पर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर नहीं होने से इस्लाम खतरे में नहीं आ जाता। मगर मुझे 5 बार अपने घर में लाउड स्पीकर पे अजान क्यों सुनना पड़ता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इस पे प्रावधान है, इस पे वर्डिक्ट है। और दूसरी बात, कोई अजान के खिलाफ नहीं है, अजान लाउड स्पीकर पे सुना करके आप क्या मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन कर सकते हैं इस विषय पे जिस पे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत रखा है, और किसने क्या पकड़ाया है हाथ में, पत्थर किसने पकड़ाया, सवाल संबित पात्रा जी से, हर कोई जानता है महंगाई को लेके कि जो सरकार है वो हमारे देश में ऊर्जा संरक्षण भंडारण, एनर्जी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, ताकि जब अर्थव्यवस्था कोविड के महामारी के बाद रिकवर करती है तो किस प्रकार से उसमें पेट्रोल को शामिल करके जन उपभोक्ताओं के लिए उसको उसका लाभ पहुंचाए। जी जी ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ। सर आपने बोला कि जो वोट बैंक है हम उसको डिवाइड करते हैं, तो एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री स्कीम्स निकालते हैं वो सबसे ज्यादा उनका उस टाइम पे जब वो स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें तो हम नहीं देखते कि हिंदू है या मुस्लिम है। आज भी स्टैट्स के तहत जितने भी माइनॉरिटी अफेयर्स में स्कीम निकाले गए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मुस्लिम्स हैं उनको बेनिफिट हुआ है, सबसे ज्यादा। ठीक है, जल्दी जल्दी सही, छोटा छोटा सवाल। मेरा सवाल सर से है, जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं घर में, अपने टीवी फोड़ते हैं, क्या उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनके घर के आगे बिल्डोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये बिल्डोजर ऐसी मानसिकता वाले लोगों के घर चलना चाहिए, और इसका ऐसे मानसिकता खोज खोज के कहां से कौन से उससे दिखता है, ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखता है क्या? सुनो, ये जो समाज के अंदर जो मानसिकता वाले जो लोग हैं, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा इसका मानसिकता खराब, बुलडोजर चला दो, कैसा, चलिए चल हो गया। अंजना मेरा सवाल इनसे है। सर ने बोला जैसे कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक होता है, तो सर हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक होता है तो कश्मीरी पंडित को उस टाइम डीएनए क्यों नहीं दिखा गया? ठीक है, चलिए आखिरी में दो जवाब लेंगे संबित जी और सुप्रिया जी को, जल्दी से दिखा दीजिए। सुप्रिया जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 लाइन में जवाब खत्म हो। इसकी काट, अगर ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विपक्ष के पास इसकी क्या काट है?
पांच राज्यों के चुनाव ने साबित कर दिया कि जनता अभी भी इन्हीं पर विश्वास कर रही है। दो लाइन में जवाब। अगर आपको लगता है कि जनता ने साबित कर दिया तो जनता फिर महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल क्यों पूछ रही है और पांच सेकंड में कहकर अपनी बात खत्म कर लेती हूँ। महबूबा मुफ्ती जी से जो सवाल आज स्टूडियो में बैठकर पूछ रहे थे जब उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर में, तब ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछे? महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली, जलबैया कर ली, ठीक है ठीक है, अब जवाब इसी का सुन रहे, इसी का जवाब नहीं पूछे गए। देखिए अंजना जी, सरकार बनाई सर आपने महबूबा मुफ्ती के साथ। अंजना जी मैं एक और गंभीर रूप से पांच सेकंड में जवाब दे दूंगा। अंजना जी हमारे एक भाई साहब ने, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने पूछा कि कुछ लोग टीवी फोड़ देते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या उनका घर बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए? आपने सही कहा कि कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, क्योंकि वो जनता है, साधारण भाषा में उन्होंने बोला है। मगर अंजना जी हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, ऐसे लोग हैं इस देश में जो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के लिए चेयरअप कर, और देखिए 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 बैठी ही है, वैसे लोग हमारे साथ ही बैठे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यही यही देखिए।